इस प्रश्न में कुछ बिंदु दिए गए हैं जिनके आधार पर हमें बेचे गए माल की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करना है। यहाँ ओपनिंग स्टॉक यानी कि प्रारंभिक स्कन 10,000 दिया गया है, शुद्ध क्रय यानी कि नेट परचेस 45,000, अंतिम स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक 15,000 के हैं, वेजेस दिया गया है 3,000 का और कैरेज ऑन परचेस दिया गया है क्रय पर भाड़ा 900। जब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर जो हमने बेचा गया माल हमारे द्वारा है उसकी लागत हम कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम हमारे पास जो प्रारंभिक स्कंध है यानी कि ओपनिंग स्टॉक है और साथ में हमने जो परचेस किया है, तो परचेस में जो परचेस एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि कैरेज ऑन परचेस, वेजेस जो भी होते हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं परचेस की अमाउंट में। और इसमें हम क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन क्योंकि इस प्रश्न में परचेस के साथ साथ एक्सपेंसेस ऑन परचेस भी दिए गए हैं तो उनको भी हम प्लस करते चलेंगे, तो यहाँ हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस कैरेज ऑन परचेस प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और ये सारी जानकारी हमको प्रश्न में दी गई है, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले में उनको पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक है 10,000 प्लस नेट परचेस 45,000 प्लस कैरेज ऑन परचेस 900 प्लस वेजेस 3,000 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो 15,000 हम यहाँ पर माइनस करेंगे, तो यहाँ हमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 43,900 के मिल जाएंगे। इस प्रश्न में हमें बेचे गए माल की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट के कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेल है 2 लाख का, सेल्स रिटर्न है 5,000, ओपनिंग स्टॉक 15,000, क्लोजिंग स्टॉक 17,000, परचेस 1,08,000, परचेस रिटर्न 2 लाख, फ्राइट ऑन परचेस 3,700, सैलरी 30,000 और वेजेस है 10,000 के। इसके आधार पर जब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी बेचे गए माल की लागत निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक्चुअली जब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर लिखते हैं तो उसका मतलब परचेस ही होता है, जितने भी परचेस पे एक्सपेंस किए जाते हैं वो सभी परचेस के जो नेट वैल्यू होती है उसमें एड हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक 15,000 प्लस नेट परचेस 1,06,000 हो जाएगा यहाँ पर, जिसमें हम यहाँ प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वेजेस और कैरेज ऑन परचेस जो है उसको हम यहाँ पर साथ में ऐड करके चलेंगे, तो ये जो नेट परचेस जो है वो हो जाएगा 1,06,000 और प्लस यहाँ पर दिया हुआ है 10,000 की वेजेस, उसको हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे। और यहाँ पर एक और प्रत्यक्ष व्यय है क्रय पर भाड़ा 3,700, उसको हम प्लस कर लेंगे और लास्ट में हम इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम बेचे गए माल की लागत कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,17,700 प्राप्त कर लेंगे। एक चीज जो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है वो ये है कि सैलरी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, अप्रत्यक्ष व्यय है। यहाँ हमको परचेस की वैल्यू में केवल प्रत्यक्ष व्यय यानी कि माल को खरीद के गोडाउन तक लाने के जो व्यय होते हैं वो प्रत्यक्ष व्यय डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, केवल उनको ही हम शुद्ध क्रय की गणना में शामिल करते हैं। तो सैलरी जो है वो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए उसको यहाँ पर शुद्ध क्रय की गणना में हम शामिल नहीं करेंगे। दूसरा यहाँ पर एक और कैलकुलेशन हम करते हैं सकल लाभ की, अगर हम यहाँ पर गणना करते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सकल लाभ बराबर शुद्ध विक्रय माइनस बेचे गए माल की लागत। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शुद्ध विक्रय जो है वो हो जाएगा 1,95,000, क्योंकि प्रश्न में सेल्स जो दिया है वो है 2 लाख का और साथ में सेल्स रिटर्न भी दिया है 5,000 का, तो पहले हम इस 2 लाख में 5,000 माइनस कर देंगे तो हम देखेंगे कि शुद्ध विक्रय नेट सेल जो है वो है 1,95,000 का।
और इसमें से अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे तो हमको 77,300 का जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाएगा। लेखांकन समीकरण बनाने के लिए दिया गया प्रश्न इस प्रकार है। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया गया 1,20,000, किराया अग्रिम चुकाया गया 1,000, नगद माल खरीदा गया 60,000, उधार माल खरीदा गया 40,000, नगद माल बेचा 60,000 में जिसकी लागत 40,000 रुपए थी, वेतन चुकाया 1,000 रुपए, अतिरिक्त वेतन 200 रुपए, व्यक्तिगत उपयोग हेतु तो स्कूटर खरीदा 10,000 रुपए। इसके आधार पर जब हम लेखांकन समीकरण बनाएंगे तो सबसे पहले हम एसेट्स और लाइबिलिटी दो पक्षों को यहाँ पर लिख लेंगे। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। यहाँ हम फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे कि रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया गया। जब रोकड़ लगाई गई और व्यापार प्रारंभ किया गया तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि कौन से दो पक्ष प्रभावित हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो रोकड़ और यानी कि कैश और दूसरा कैपिटल। कैश और कैपिटल दोनों प्रभावित हो रहे हैं। अब कैश यहाँ पर जो है वो एसेट्स है और कैपिटल जो है वो लाइबिलिटी के साथ प्लस होगा। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे कैश इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और कैश है हमारी 1,20,000 की इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल 1,20,000। सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं कि किराया चुकाया गया अग्रिम, रेंट पेड इन एडवांस। अब क्योंकि ये प्रीपेड एक्सपेंस है, पूर्वदत्त व्यय है, पहले से ही चुका दिया गया है, तो ये एक प्रकार का एसेट्स है हमारे लिए। तो यहाँ पर हम एसेट साइड में लिखेंगे कैश प्लस प्रीपेड एक्सपेंस इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कैश हम देख रहे हैं कि हमारे पास 1,20,000 की कैश थी, इसमें से हम एक 1,000 का एक एक्सपेंस कर दे रहे हैं, तो हमारे पास अब कैश बचेगी 1,19,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंस था 1,000 का, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे इक्वल टू लाइबिलिटी अभी कोई भी नहीं है जीरो, प्लस कैपिटल 1,20,000 ही रहेगी। थर्ड एंट्री हम देखते हैं कि यहाँ पर नगद माल खरीदा गया है, गुड्स परचेस फॉर कैश। तो यहाँ हम देखेंगे कि कौन कौन से दो पक्ष प्रभावित हो रहे हैं। गुड्स हमने परचेस किया है तो एक तो हमारे पास बिजनेस में गुड्स आएगी, और दूसरा क्योंकि हमने कैश परचेस किया है तो पैसा यानी कि कैश हमारे पास से जाएगा। इन दोनों प्रभाव को ध्यान में रखते हुए हमको यहाँ पर प्लस माइनस जो भी होगा वो करना है। तो हम थर्ड स्टेप में हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे कैश प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस गुड्स यहाँ ऐड हो जाएगा इस इक्वेशन में इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल वैसा ही रहेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो कैश थी वो थी 1,20,000 की। अब क्योंकि इसमें से हमने 60,000 का गुड्स कैश परचेस किया है तो ये 1,19,000 में 60,000 हमारे चले गए कैश गुड्स परचेस करने के लिए। तो अब हमारे पास जो कैश बचा है थर्ड इक्वेशन में वो सिर्फ 59,000 हो जाएगा। 1,19,000 माइनस 60,000 जब हम करेंगे तो हमारे पास कैश बचेगी ओनली 59,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस है 1,000 और प्लस जो यहाँ नया पॉइंट जुड़ा है गुड्स हमारे पास आया है तो वो हो जाएगा प्लस 60,000। तो ये हमारा एसेट साइड का इक्वेशन हो जाएगा 59,000 प्लस 1,000 प्लस 60,000। और लाइबिलिटी साइड में हम देख रहे हैं कि कोई नई लाइबिलिटी अभी तक नहीं जुड़ी है तो जीरो प्लस कैपिटल हमारी 1,20,000 ही रहेगी। फोर्थ स्टेप में हम देखते हैं उधार माल खरीदा, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम उधार माल खरीदते हैं तो एक तो माल हमारे बिजनेस में आएगा जब भी हम उधार खरीदें या नगद खरीदें, गुड्स जो है वो हमारे पास आएगी। दूसरी बात यह है कि क्योंकि हम उधार यहाँ पर माल खरीद रहे हैं तो यहाँ पर एक जो नई लाइबिलिटी हमारी बनेगी, एक जो नया दायित्व तो बनेगा वो होगा क्रेडिटर्स। तो यहाँ फोर्थ स्टेप में हमारा इक्वेशन हो जाएगा कैश प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस गुड्स इक्वल टू क्रेडिटर प्लस कैपिटल। कैश हम देख रहे हैं कि क्योंकि ये उधार व्यवहार है या इसमें कैश बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रही है तो अभी भी कैश पिछले इक्वेशन की तरह 59,000 ही रहेगी प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000 वैसे ही रहेंगे। लेकिन
गुड्स में चेंजेस हो रहा है कि पहले हमारे पास जो गुड्स था वो 60,000 का था और प्लस अब हमने 40,000 का गुड्स और परचेस कर लिया, तो अब हमारे पास गुड्स हो गया 1 लाख का। तो एसेट साइड का इक्वेशन हो जाएगा 59,000 प्लस 1,000 प्लस 1 लाख इक्वल टू लाइबिलिटी साइड का जो इक्वेशन होगा उसमें क्रेडिटर प्लस कैपिटल होगा और क्रेडिटर हमारे 40,000 के इस फोर्थ स्टेप में नए बने हैं क्योंकि हमने उधार माल खरीदा है 40,000 का, तो ये हमारी लाइबिलिटी बन रही है और वो उसका नाम है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर 40,000 और प्लस कैपिटल 1,20,000 ये इस इक्वेशन में आएगा। इसके बाद फिफ्थ स्टेप में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जो पॉइंट दिया है उसमें नगद माल बेचा 60,000 रुपए में और उस माल की लागत थी, कॉस्ट थी 40,000 की, यानी 40,000 की कॉस्ट का जो गुड्स है वो 60,000 में हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तीन चीजें यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगी, एक तो सेल हमने कैश किया है तो कैश आएगी हमारे पास 60,000 की, दूसरी जो गुड्स था हमारे पास 1 लाख का आप देख रहे हैं इसमें से 40,000 की कॉस्ट का गुड्स हमने सेल कर दिया, और तीसरा ये पॉइंट कि क्योंकि हमने 40,000 के गुड्स को 60,000 में सेल किया है तो यहाँ हमको 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम फिफ्थ इक्वेशन बनाएंगे और ये इक्वेशन हो जाएगा कैश प्लस प्रीपेड प्लस गुड्स इक्वल टू क्रेडिटर प्लस कैपिटल। अब कैश में क्या चेंजेस आ रहे हैं कि हमारे पास पहले जो फोर्थ इक्वेशन था उसमें 59,000 का कैश है लेकिन यहाँ पर हमको 60,000 और मिल रहा है, तो इस 59,000 में 60,000 हम ऐड कर देंगे। अब फिफ्थ स्टेप में हमारी कैश हो जाएगी 1,19,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस में कोई चेंजेस नहीं है 1,000 रहेगा प्लस गुड्स में चेंज होगा क्योंकि 1 लाख का गुड्स हमारे पास फोर्थ इक्वेशन में था लेकिन फिफ्थ स्टेप में हमने 40,000 की कॉस्ट का गुड्स सेल कर दिया। अब हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन में जो गुड्स बचा है वो सिर्फ 60,000 का, 1 लाख माइनस 40,000 इक्वल टू 60,000 का गुड्स हमारे पास बचा है। और क्रेडिटर अगर हम देखते हैं लायबिलिटी साइड में तो क्रेडिटर 40,000 के एज इट इज है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, और कैपिटल जो हमारी है वो चेंज हो जाएगी क्योंकि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम कैपिटल में प्लस माइनस करते हैं, अगर प्रॉफिट है तो हम कैपिटल में प्लस करते हैं और अगर लॉस है तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने 40,000 के कॉस्ट का जो गुड्स था उसको हमने 60,000 में सेल किया है, यानी 20,000 का हमको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और वो जो 20,000 का प्रॉफिट है वो यहाँ कैपिटल में ऐड हो जाएगा। पहले फोर्थ स्टेप में हमारी कैपिटल थी 1,20,000, अब हम इसमें 20,000 जो प्रॉफिट है वो और ऐड कर देंगे तो अब फिफ्थ स्टेप में हमारी कैपिटल हो जाएगी 1,40,000। तो इस तरह फिफ्थ इक्वेशन जो है वो हो जाएगा कैश प्लस प्रीपेड प्लस गुड्स इक्वल टू क्रेडिटर प्लस कैपिटल, 1,19,000 प्लस 1,000 प्लस 60,000 इक्वल टू 40,000 प्लस 1,40,000। अब हम देखते हैं सिक्स्थ स्टेप में हमने सैलरी पे की है 1,000 की, तो सैलरी एक एक्सपेंस है, ये हम जब पे करेंगे क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इसको जब हम पे करेंगे तो कैश हमारा कम हो जाएगा और लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल से उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ हमारा जो सिक्स्थ इक्वेशन है वो हो जाएगा कैश प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस गुड्स इक्वल टू क्रेडिटर प्लस कैपिटल, तो कैश हो जाएगी हमारी 1,18,000 की प्लस 1,000 प्लस 60,000 इक्वल टू 40,000 प्लस कैपिटल हमारी 1,40,000 थी, इसमें से हम 1,000 माइनस कर देंगे सैलरी के तो अब कैपिटल हमारी हो जाएगी 1,39,000। सेवेंथ स्टेप में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक आउटस्टैंडिंग सैलरी पे की है, एक सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है हमने सर्विस ले ली है लेकिन सैलरी हमने अभी तक पेड नहीं की थी, अब हम अभी हमारे लिए वो जो एक्सपेंस है सैलरी वो अभी आउटस्टैंडिंग है, तो क्योंकि ये हमारे लिए लायबिलिटी होगी तो यहाँ पर हमारा जो सेवन स्टेप होगा उसमें लायबिलिटी साइड में ये
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के रूप में अलग से लिखा जाएगा, और साथ में क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो हम इसको कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमारा सेवेंथ जो इक्वेशन है वो हो जाएगा कैश प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस गुड्स इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस कैपिटल। ये हो जाएगा 1,18,000 प्लस 1,000 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 200 प्लस 1,38,800। अब एट्थ स्टेप में हम देख रहे हैं कि व्यक्तिगत उपयोग हेतु तो एक स्कूटर खरीदा गया, स्कूटर परचेस फॉर पर्सनल यूज, क्योंकि निजी व्यय है ये, उसका पर्सनल एक्सपेंस है, यानी कि इसको हम ड्रॉइंग के अंतर्गत लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब ड्रॉइंग किया जाता है किसी चीज को खरीदने के लिए तो कैश में से वो अमाउंट कम हो जाती है, और दूसरी बात कैपिटल में से भी वो अमाउंट कम हो जाती है, जो आहरण की राशि रहती है वो पूंजी में से भी घट जाती है। तो इस आधार पर यहाँ पर हमारे जो एट्थ हमारा इक्वेशन बनेगा वो होगा कैश प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस गुड्स इक्वल टू क्रेडिटर प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस कैपिटल। तो कैश हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1,08,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंस 1,000 प्लस गुड्स 60,000 इक्वल टू क्रेडिटर 40,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 200 प्लस कैपिटल 1,28,800। हम एसेट साइड की हमारी जो अमाउंट है और लाइबिलिटी साइड की जो अमाउंट है अब वो इस एट इक्वेशन में भी दोनों साइड इक्वल आ गई है। हर स्टेप में हमको चेक करना है कि हमारी एसेट साइड की अमाउंट और लाइबिलिटी साइड की जो टोटल अमाउंट है वो इक्वल होनी चाहिए। लेखांकन समीकरण बनाने के लिए दिया गया प्रश्न इस प्रकार है। रोकड़ से व्यापार शुरू किया, स्टार्ट बिजनेस विद कैश 50,000। सेकेंड, उधार माल खरीदा, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000। थर्ड, नगद माल खरीदा, परचेस गुड्स फॉर कैश 1,000। फोर्थ, फर्नीचर खरीदा, परचेस फर्नीचर 500। फिफ्थ, किराया चुकाया, पेड रेंट 200। सिक्स, आहरण किया, विड्रॉल फॉर प्राइवेट यूज 700। ब्याज प्राप्त किया, रिसीव इंटरेस्ट 100। उधार माल बेचा, कॉस्ट 500, लागत 500। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्ट ₹500, 700। लेनदारों को भुगतान किया, पेड ऑन क्रेडिटर्स 400। वेतन चुकाया, पेड सैलरीज 200। इसके आधार पर जब हम लेखांकन समीकरण का निर्माण करेंगे तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वहां पर हम देख रहे हैं, क्योंकि इसने कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, जिसमें कि एसेट्स जो होगी वो हमारी बनेगी कैश और लाइबिलिटी साइड में ऐड हो जाएगा कैपिटल में। तो ये हो जाएगा कैश इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल 50,000 इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस 50,000। सेकेंड इक्वेशन हम देखते हैं, जब परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट दिया गया है, उधार माल खरीदा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस ट्रांजेक्शन से दो चीजें प्रभावित होती है। एक तो गुड्स हमारे बिजनेस में आएगा, और दूसरी बात क्योंकि हमने उधार खरीदा है तो यहाँ पर हमारा एक नया दायित्व, तो नई लाइबिलिटी हमारी बनेगी और वो होगा क्रेडिटर। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा हो जाएगा कैश प्लस गुड्स इक्वल टू क्रेडिटर प्लस कैपिटल। तो कैश हो जाएगा 50,000 का, गुड्स प्लस गुड्स 4,000 इक्वल टू क्रेडिटर है 4,000 के, प्लस कैपिटल हो जाएगा 50,000 का। थर्ड स्टेप में हम देखते हैं कि नगद माल खरीदा, परचेस गुड फॉर कैश। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब हम कोई माल नगद खरीदते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक तो हमारे पास जो कैश है, नगद धनराशि है, वो कम हो जाएगी, और दूसरी बात जो गुड्स है हमारे पास पहले से वो अब बढ़ जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर नगद माल खरीद रहे हैं। तो इस स्टेप में, थर्ड स्टेप में हमारा जो इक्वेशन है वो हो जाएगा कैश प्लस गुड्स इक्वल टू क्रेडिटर प्लस कैपिटल। अब कैश हमारी थी सेकंड स्टेप में, सेकंड इक्वेशन में 50,000, लेकिन इसमें से 1,000 हमने खर्च कर दिए गुड्स खरीदने के लिए, तो अब हमारे पास यहाँ पर 49,000 की कैश बची है प्लस गुड्स। तो
गुड्स जो हमारे पास 4000 का पहले से था प्लस 1000 के गुड्स हमने और खरीद ली, तो अब हमारे पास गुड्स हो गया 5000 का। इक्वल टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर हमारे पास 4000 के थे अभी भी रहेंगे, कैपिटल 50000 की थी वो एज इट इज होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि यहाँ पर फर्नीचर खरीदा गया है और जब तक संपत्तियों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी ना हो किसी भी क्रय के बारे में हम उसको नगद क्रय मानते हैं। और दूसरी बात, फर्नीचर एक प्रकार का एसेट्स है हमारे लिए, तो दो चीजें यहाँ पर प्रभावित हो रही हैं। एक तो जब हम फर्नीचर खरीदेंगे तो हमारे पास बिजनेस में फर्नीचर आएगा जो कि एसेट्स है, और दूसरी बात कैश हमारे पास जो थी वो उस अमाउंट से कम हो जाएगी जितने का हमने फर्नीचर खरीदा है। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन हो जाएगा कैश प्लस गुड्स प्लस फर्नीचर इक्वल टू क्रेडिटर प्लस कैपिटल। तो कैश हो जाएगी 48,500, गुड्स हो जाएंगे 5000 के, प्लस फर्नीचर हमने यहाँ पर क्रय किया है 500 का, वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, इक्वल टू क्रेडिटर है हमारे 4000 के और कैपिटल है हमारा 50,000। अब नेक्स्ट स्टेप में पेड रेंट, किराया चुकाया गया है 200 का, तो क्योंकि किराया चुकाया गया तो स्पष्ट सी बात है कि कैश जो हमारे पास थी उसी में से निकाल के हम किराया देंगे तो वो कम हो जाएगा और लायबिलिटी में हम कैपिटल में से उसको माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा कैश प्लस गुड्स प्लस फर्नीचर इक्वल टू क्रेडिटर प्लस कैपिटल 48,300 प्लस 5000 प्लस 500 इक्वल टू 4000 प्लस 49,800। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि आहरण किया गया, विड्रॉल किया गया है फॉर पर्सनल यूज 700। तो यहाँ पर क्योंकि विड्रॉल जो हम करेंगे तो वो कैश में से ही वो राशि निकलेगी, तो यहाँ पर हमारा एक तो कैश कम हो जाएगा और दूसरा हम देखते हैं कि ड्रॉइंग जब हम विड्रॉल जब हम करते हैं तो वो कैपिटल में से भी कम हो जाता है। तो इस स्टेप में हमारा इक्वेशन होगा कैश प्लस गुड्स प्लस फर्नीचर इक्वल टू क्रेडिटर प्लस कैपिटल। कैश पहले थी हमारी 48,300 की, इसमें से विड्रॉल कर लिया गया 700, तो अब हमारी कैश हो जाएगी 47,600 प्लस 5000 प्लस 500 इक्वल टू क्रेडिटर 4000 के, प्लस कैपिटल हमारी थी इसके पहले वाले इक्वेशन में 49,800 की, जिसमें से 700 विड्रॉल कर लिया गया, तो अब हमारे पास कैपिटल बची है 49,100 की। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं रिसीव इंटरेस्ट, ब्याज प्राप्त किया गया। अब क्योंकि ये एक प्रकार की प्राप्ति है तो हमारे पास जो कैश था उसमें ये ऐड हो जाएगी और कैपिटल में भी ये ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, हमारी पूंजी यहाँ पर बढ़ रही है, हमको ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ पर इस स्टेप में इक्वेशन हो जाएगा कैश प्लस गुड्स प्लस फर्नीचर इक्वल टू क्रेडिटर प्लस कैपिटल। तो कैश हो जाएगा 47,700, गुड्स हो जाएगा 5000 का, फर्नीचर हो जाएगा 500 का, क्रेडिटर 4000 के ऑलरेडी है, और प्लस कैपिटल जो है हमारा 49,100 का था, अब उसमें 100 और ऐड हो जाएगा, तो अब इस इक्वेशन में हमारी कैपिटल हो जाएगी 49,200। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर रिसीव इंटरेस्ट दिया गया है 100 रुपीज, ब्याज प्राप्त किया। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि एक पॉइंट है जिसमें सोल गुड्स ऑन क्रेडिट 700 एंड कॉस्ट रुपीज 500, यानी 500 के कॉस्ट का जो गुड्स है उसको 700 में सेल किया। यहाँ पर भी तीन चीजें प्रभावित होंगी, पहला कॉस्ट जो थी उस गुड्स की वो 500 थी, तो हमारे पास जो गुड्स है उसमें से 500 अब कम हो जाएगा क्योंकि हमने उसको सेल कर दिया, एक बात। दूसरी ये बात कि हमने उसको सेल किया है 700 में, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि हमने उसको उधार बेचा है, तो कैश किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर हमारे डेटर्स नए बनेंगे, तो डेटर्स हमको यहाँ पर इक्वेशन में नए बनाना है। और तीसरी बात ये 500 के कॉस्ट का गुड्स हम 700 में सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस 200 जो है वो प्रॉफिट होगा जो कि कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। तो इन तीनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम ये इक्वेशन बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारा इक्वेशन हो जाएगा कैश, क्योंकि 47,400 था तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। गुड्स हमारे पास थी 5000 की, इसमें से हमने
500 की कॉस्ट का गुड्स सेल कर दिया, अब हमारे पास जो गुड्स बची वो हो जाएगी 4500 की। फर्नीचर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है तो प्लस फर्नीचर 500 का ही रहेगा। एक नया पॉइंट जो मैंने बताया है कि डेटर्स बन जाएंगे हमारे नए, क्योंकि ये उधार विक्रय है, क्रेडिट सेल है, तो इसके साथ प्लस हो जाएगा एसेट साइड में प्लस डेटर्स, और इसकी अमाउंट हो जाएगी अब 700 इक्वल टू क्रेडिटर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन प्लस कैपिटल में चेंज होगा। पहले हमारी जो कैपिटल थी 49,200 की, इसमें मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि प्रॉफिट अगर है तो ऐड हो जाता है, लॉस अगर है तो माइनस हो जाता है, तो क्योंकि यहाँ पे 200 का प्रॉफिट शो हो रहा है तो 49,200 में हम 200 प्लस कर देंगे और ये 49,400 यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद तो इस आधार पर हमारा इस स्टेप का इक्वेशन हो जाएगा कैश प्लस गुड्स प्लस फर्नीचर प्लस डेटर इक्वल टू क्रेडिटर प्लस कैपिटल 47,700 प्लस 4500 प्लस 500 प्लस 700 इक्वल टू 4000 प्लस 49,400। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि लेनदारों को भुगतान किया गया। हमारे पास जो क्रेडिटर बने हुए थे 4000 के, उसमें से हमने 400 रुपीस उनको पे कर दिए। तो जब हम इनको पे करेंगे तो एक तो हमारे पास जो कैश थी वो कम हो जाएगी, और दूसरी बात हमारे जो क्रेडिटर थे वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन हो जाएगा कैश प्लस गुड्स प्लस फर्नीचर प्लस डेटर्स इक्वल टू क्रेडिटर प्लस कैपिटल, और कैश की अमाउंट हो जाएगी 47,700 पहले थी, इसमें से 400 हमने क्रेडिटर को पे कर दिए, तो अब हमारे पास बचती है 47,300 प्लस गुड्स 4500 का ही रहेगा, फर्नीचर 500 का ही रहेगा, डेटर 700 के ही रहेंगे, इक्वल टू क्रेडिटर जो पहले 4000 के थे, अब इसमें से 400 उनको पे कर दिया गया तो अब वो 3600 के बचे हैं, और प्लस कैपिटल 49,400 ही रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि वेतन चुकाया गया, सैलरी दी गई। तो स्पष्ट है यहाँ पे कि जब भी हम सैलरी देंगे तो हमारे पास जो कैश है वो कम हो जाएगी और यहाँ लायबिलिटी साइड में कैपिटल कम हो जाएगी। तो यहाँ पर इस स्टेप में हमारा इक्वेशन हो जाएगा कैश प्लस गुड्स प्लस फर्नीचर प्लस डेटर्स इक्वल टू क्रेडिटर प्लस कैपिटल 47,100, क्योंकि पिछले स्टेप में हमारी जो कैश थी वो थी 47,300, अब उसमें से 200 हमने पे कर दिया तो ये हो जाएगा 47,100 प्लस 4500 प्लस 500 प्लस 700 इक्वल टू 3600 प्लस 49,200। अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि इक्वेशन हमने इनके आधार पर तैयार कर लिया है, लेकिन इन इक्वेशंस के आधार पर हमको बैलेंस शीट भी बनानी है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एसेट साइड में कुछ पॉइंट्स मिले हैं हमको, लायबिलिटी साइड में कुछ पॉइंट्स मिले हैं, इनके आधार पर अब हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे। तो बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो उसके एक और हम एसेट्स की एंट्री और एक और लायबिलिटी की एंट्री करेंगे, बाईं ओर इसमें लायबिलिटी और दाईं ओर एसेट्स लिखेंगे। तो लायबिलिटी हम देख रहे हैं इस इक्वेशन में कि दो है, क्रेडिटर है 3600 के और कैपिटल है 49,200 का। एसेट साइड में हम देख रहे हैं कि कौन कौन से एसेट्स हैं, कैश है 47,100, स्टॉक है 4500, फर्नीचर है 500 और डेटर्स है 700। और जब हम इस बैलेंस शीट का टोटल करते हैं तो हम देखते हैं कि 52,800 से बैलेंस शीट टैली हो जाती है। दिए गए प्रश्न में बेचे गए माल की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन करनी है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक स्कंद 5000 है, नेट परचेस यानी शुद्ध क्रय 35,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 7500 है, वेजेस है 1250, क्रय पर भाड़ा है 250। यहाँ जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन जैसे कि हमने पहले देखा कि परचेस में परचेस प्लस उस पर किए गए सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं परचेस के प्राइस में जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परचेस के साथ साथ वेजेस यानी मजदूरी और क्रय पर भाड़ा भी दिया गया है, तो ये दोनों अमाउंट परचेस में प्लस हो जाएंगे, यानी कि नेट परचेस जो होगा वो हमारा हो जाएगा 35,000 प्लस 100 2050 प्लस 250 यानी 36,500।
अब इसे हम फॉर्मूले में रखते हैं, ओपनिंग स्टॉक है हमारा 5000 प्लस परचेस हो गया 36,500 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 7,500, तो इस तरह से हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी 34,000। दिए गए प्रश्न में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन करनी है और यहां दिया गया है ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेस 50,000, वेजेस 10,000, फ्रेट ऑन परचेस 2,000, ऑफिस रेंट 3,000, क्लोजिंग स्टॉक 12,000। यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कैलकुलेशन के लिए हमारा फॉर्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। पहले हम परचेस की कैलकुलेशन कर लेंगे। परचेस में यहाँ पर नेट परचेस प्लस वेजेस प्लस फ्राइट ऑन परचेस 2000 ऐड हो जाएगा, तो हमारा नेट परचेस यहाँ पर 62,000 का हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इक्वेशन में जब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक 20,000 का जो कि प्रश्न में दिया गया है, प्लस परचेस हो गया हमारा 62,000 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा 12,000, यानी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई 70,000 की। इस प्रश्न में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहाँ पर कार्यालय का किराया दिया हुआ है 3,000, इसको हम कहीं पे भी इंक्लूड नहीं करेंगे, परचेस के कैलकुलेशन में भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। दिए गए प्रश्न के आधार पर पूंजी की गणना करनी है। यहाँ पर टोटल एसेट्स 1,50,000 दिया है, क्रेडिटर फॉर गुड्स 90,000 यानी माल के लिए लेनदार 90,000, खर्चे के लिए लेनदार 15,000 यानी क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस 15,000 दिए गए। और जब हमको यहाँ पर कैपिटल की कैलकुलेशन करनी होगी तो यहाँ पर जैसे कि पहले हमने देखा था कैपिटल के लिए फॉर्मूला था कैपिटल इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो एसेट्स है वो क्वेश्चन में दी गई है 1,50,000 और लाइबिलिटी जो है वो है क्रेडिटर। दो तरह के क्रेडिटर हैं यहाँ पर, क्रेडिटर फॉर गुड्स एंड क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। तो टोटल जो क्रेडिटर है 90,000 प्लस 15,000 वो हो जाएंगे 1,05,000 के। और यहाँ पर हम कैपिटल इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल इक्वल टू 1,50,000 माइनस 1,05,000, तो यहाँ हमारी कैपिटल आ जाएगी 45,000 रुपीज। यदि विक्रय 2,00,000 रुपए हो और सकल लाभ 25% हो तो बेचे गए माल की लागत क्या होगी। यहाँ हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है और हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होता है वो सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करने के बाद आता है। तो सेल क्योंकि यहाँ पर हमको दी गई है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है सेल पर 25%, तो सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 20,00,000 इंटू 25%, ये 50,000 जो होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम इसको फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पर लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल है 2,00,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी 1,50,000। इस प्रश्न में हमको सकल लाभ यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। यहाँ कैश सेल दी गई है 40,000 की, क्रेडिट सेल यानी उधार विक्रय 30,000 के है, सेल्स रिटर्न यानी विक्रय वापसी 3,000 है और बेचे गए माल की लागत यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,000 है। यहाँ पर जब हमको ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी होगी तो हम देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, यानी बेचे गए माल की जो लागत थी उससे विक्रय कितना अधिक मिला, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। तो क्योंकि यहाँ पर हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है लेकिन नेट सेल जो है वो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है टोटल सेल, तो यहाँ हम कैलकुलेशन करेंगे टोटल सेल इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। तो यहाँ हम देख रहे हैं कैश सेल है 40,000 प्लस क्रेडिट सेल है 30,000 माइनस सेल्स रिटर्न है 3,000, तो ये हो जाएगा 70,000 माइनस 3,000 67,000। ये हमने टोटल सेल निकाल लिया 67,000। अब इसके बेस पे हम ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 67,000 माइनस 50,000 इक्वल टू
17,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर हमारा हो जाएगा 17,000। यदि नगद बिक्री 35,000 रुपए हो और उधार बिक्री 40,000 रुपए हो, बेचे गए माल की लागत प्रत्यक्ष व्यय सहित 52,000 रुपए हो तथा विक्रय व्यय 6,700 रुपए हो, तो शुद्ध लाभ क्या होगा? इस प्रश्न में हमको शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। विक्रय कैश और क्रेडिट सेल अलग अलग दिए हैं, तो हम यहाँ पर टोटल सेल पहले कैलकुलेट कर लेंगे। कैश प्लस क्रेडिट सेल, कैश सेल है 35,000 और क्रेडिट सेल है 40,000, यानी कि टोटल सेल है हमारी 75,000। अब क्योंकि यहाँ पर हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया है और साथ में सेल्स एक्सपेंसेस भी दिए गए हैं, तो यहाँ हम नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए टोटल सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स एक्सपेंसेस को अगर माइनस कर देते हैं तो नेट प्रॉफिट हमको मिल जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट इक्वल टू टोटल सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेल्स एक्सपेंसेस। टोटल सेल हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है 75,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 52,000 माइनस सेल्स एक्सपेंस 6,700, तो 16,300 नेट प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार लेखांकन की पूरी प्रक्रिया जब हम प्रारंभ करेंगे तो हमको किन किन नियमों और सिद्धांतों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। इस अध्याय में हमने जाना कि प्रमाणक यानी कि वाउचर्स क्या हैं, कितने इनके प्रकार हैं, किस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो यहाँ हमने प्रमाणकों को बनाने का उद्देश्य, उनकी आवश्यकता क्या है, क्यों वो महत्वपूर्ण है व्यापार में, इसके बारे में विस्तार से जाना। साथ ही हमने देखा कि खाते कितने प्रकार के होते हैं, हमने व्यक्तिगत, वास्तविक, अवास्तविक, इन सभी खातों के बारे में जाना। गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग इनके पोस्टिंग के नियम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जानी। हमने देखा कि लेखांकन समीकरण क्या है और किस तरह से ये बनाया जाता है। संपत्ति और दायित्वों को जब बैलेंस शीट फॉर्म में हम न लिख कर एक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं तो लेखांकन के समीकरण हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जिनको फॉलो करते हुए हम आगे आने वाले अध्यायों में पंजी प्रविष्टियाँ करेंगे और फिर उन पंजी प्रविष्टियों के आधार पर हम खतौनी और तलपट और इस प्रकार के से लेखांकन की पूरी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए हम बैलेंस शीट तक, निर्माण तक की प्रक्रिया को जानेंगे।